सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे करें और पाएं सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस को। हेलो माइनर्स, कैसे हैं आप लोग? आपके अपने यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के टॉपिक ऑफ द वीडियो शुरू करते हैं, जो कि हमारा अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और ये जो मैंने अभी जस्ट सीरीज शुरू किया है अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें मैं आप लोग के साथ में कन्वेयर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आज। और इसमें सबसे पहले मैं आप लोग के साथ में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद हम लोग सब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ द बेल्ट कन्वेयर, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम्स के व्यू से जो क्वेश्चंस जो डेटाबेस बनते हैं वो, उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस ये भी देखेंगे, उसके बाद सेफ्टी फीचर्स है वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे, सेफ्टी फीचर या फिर सेफ्टी डिवाइसेस जो इसमें लगे होते हैं वो देखेंगे, और लास्ट में सबसे लास्ट में जो है हमारा रिलेटेड रेगुलेशन जो है वो हम लोग देखेंगे, जो कि एग्जाम्स के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कन्वेयर सिस्टम जो है, कन्वेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो वो होता क्या है, उससे वाले भी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन एवरी टाइप्स ऑफ माइनिंग लाइक द कोल एंड अदर मिनरल डिपॉजिट आर द माइन वेयर द अंडरग्राउंड और इन द ओपन कास्ट एंड द मिनरल्स एंड द कोल आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ द मेनी मैकेनाइज्ड एंड वन ऑफ देम इज कन्वेयर। क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि माइनिंग हम लोग कर रहे होते हैं, माइनिंग में जैसे लाइक हम लोग कोल और अदर मिनरल डिपॉजिट का करते हैं, वेयर द अंडरग्राउंड होता है या फिर ओपन कास्ट। हम लोग अंडरग्राउंड पढ़ रहे हैं हम लोग ये सिस्टम को, बट ये ओपन कास्ट में हमारा क्या होता है, कन्वेयर सिस्टम बहुत ही अच्छे से प्रयोग होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। एंड द मिनरल्स एंड कोल्स आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ द मेनी मैकेनाइजेशन, और उसमें से एक जो हमारा जो है कन्वेयर सिस्टम है। मैनी मैकेनाइज जैसे कि मैंने अभी लोकोमोटिव बताया था, अभी जस्ट सीरीज मैंने शुरू किया कि क्या क्या प्रयोग होते हैं, ये जो मैंने सीरीज शुरू किया है उसमें मैंने इंट्रोडक्शन में सारे चीज़ों को बताया, उसमें से ये एक जो है हम कन्वेयर जो डिस्कस कर रहे हैं अभी, और उसके आगे देखते हैं। दिस इज द कंटिन्यूस ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट एंड इज कैपेबल ऑफ द हैंडलिंग वाइड रेंज ऑफ द मटेरियल। ये हमारा क्या है, कंटिन्यूस ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट है। कंटिन्यूस मतलब कि 24 घंटा सातों दिन हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, एक्सेप्ट टाइमिंग ऑफ द मेंटेनेंस, ये इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और ये क्या होता है, वाइड कैपेबल होता है हैंडलिंग वाइड रेंज ऑफ द मटेरियल्स, ये कंटिन्यूस करता है तो वाइड रेंज ऑफ द मटेरियल इसको क्या करता है, हैंडल ये कर सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग टाइप्स ऑफ कन्वेयर देखते हैं। तो द प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ कन्वेयर यूज इन द माइंस आर, जो हमारा प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ कन्वेयर जो है माइंस में प्रयोग किया जाता है वो जो हमारा है, पहला है बेल्ट कन्वेयर, जिसके बारे में आज हम बढ़िया से डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्क्रैपर चेन कन्वेयर जो आने वाले सीरीज में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकर चेन कन्वेयर है। उसके बाद लेफ्ट ओवर टाइप ऑफ द कन्वेयर जो होता है वो वेरिएशन ऑफ दिस कन्वेयर है। बाकी जो जितने टाइप्स ऑफ कन्वेयर जो हम लोग इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था वो क्या है, इसका वेरिएशन से उसका मॉडिफाइड सारे चीज़ है। तो चलिए हम लोग आज हम लोग बेल्ट कन्वेयर के बारे में पूरा डिटेल्स के बारे में, इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह क्या है, बढ़िया से हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बेल्ट कन्वेयर होता क्या है। द बेल्ट कन्वेयर्स आर द वाइडली यूज्ड एज द मींस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इन अंडरग्राउंड एज वेल एज क्वारी। हमारा जो कन्वेयर जो है, हमारा बेल्ट कन्वेयर जो है वो क्या है, एट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छे तरह से प्रयोग किया जाता है अंडरग्राउंड में भी, और ये क्वारीज में भी क्या होता है, अच्छे से प्रयोग किया जाता है। एंड कहाँ पर भी, बिल्डिंग मटेरियल जगह पे, स्टोरेज डिपोर्ट्स में भी, रोड कंस्ट्रक्शन साइट पे भी, डिपार्टमेंट्स पे, एंड प्रोडक्शन शॉप्स जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ पे, स्टील प्लांट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज द कोल इंडस्ट्री प्लांट्स में, CHP वगैरह जो कोल हैंडलिंग प्लांट होता है वहाँ पर भी यूज होता है। एयरपोर्ट वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा जो जिस पे ट्रॉली बैग वगैरह जो होता क्या होता हमेशा मूव करता रहता है, वो हमारा कन्वेयर टाइप, कन्वेयर का ही एक टाइप है। एंड दिस इज अ कंटिन्यूस ट्रांसपोर्टिंग, जैसे बताया कि यह क्या कंटिन्यूस ट्रांसपोर्ट है, 24 घंटा सातों दिन काम कर सकता है। एंड इक्विपमेंट एंड द कैपेबल हैंडलिंग ऑफ द वाइड रेंज ऑफ द मटेरियल, हम लोग पहले ही इसको पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे हम इसका क्लासिफिकेशन को देखते हैं, टाइप्स में। क्लासिफिकेशन और टाइप्स देखने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं, जो कि एग्जाम्स के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो डेटा जो हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं वो। तो उसमें सबसे पहला जो है, बेल्ट कन्वेयर ऑफ द रबर कोटिंग सुटेबल अप टू द 1:5 ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट जो हमारा रबर कोटिंग वाला जो बेल्ट अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसका जो वर्किंग ग्रेडियंट जो होता है अप टू कितना होता है, 1:5, इससे ज़्यादा ग्रेडियंट पे ये काम नहीं कर सकता, अप टू ये इतना ग्रेडियंट काउंट करता है। बट अगर थ्रस्टर ब्रेक अगर इसमें लगा होता है तो इसका लिमिटिंग ग्रेडियंट जो है 1:3
हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के व्यू से। द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर द कन्वेइंग कोल ऑन द प्लाई पीवीसी का अगर यूज करते हैं तो ये जो होता है बेल्ट कन्वेयर जो 16 डिग्री तक प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद जो है द स्पीड ऑफ द बेल्ट कन्वेयर इज द वेरीज फ्रॉम द 45 to 150 मीटर पर मिनट ये प्रयोग हो सकता है। मतलब इसका स्पीड जो आपका 45 मीटर से 150 मीटर पर मिनट होता है। और जो इसका प्रीफर्ड जो हम लोग स्पीड है जो कि हम लोग ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इस स्पीड को प्रयोग किया जाता है वो आपका जो है 45 मीटर टू 60 मीटर पर मिनट का स्पीड को हम लोग सबसे ज़्यादा क्या प्रीफर किया जाता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है द विड्थ ऑफ द बेल्ट कन्वेयर इज द वेरीज फ्रॉम 0.6 मीटर टू 1 मीटर जो जनरल जो माइंस में कन्वेयर बेल्ट का यूज होता है वो होता है। पर जो अगर ट्रंक कन्वेयर फॉर द सर्फेस कन्वेयर इंस्टॉलेशन के लिए प्रयोग होता है या फिर हमारा जो प्रयोग होता है इसमें लॉन्ग वॉल में तो उसमें आपका जो विड्थ जो है आपका 1.2 मीटर से 1.5 मीटर तक का हो जाता है इसका विड्थ आपका कन्वेयर का प्रयोग होता है उसमें सबसे ज़्यादा वाइड वाला। ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं बेल्ट कन्वेयर का जो क्लासिफिकेशन था उसको देखते हैं और उसके टाइप से उसका शेप जो होता है उसके ऊपर। तो बेल्ट कन्वेयर्स कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स जो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं हम लोग क्या बेल्ट कन्वेयर को क्लासिफाई करते हैं वो जो है सबसे पहला हमारा शेप जो है बेल्ट का जो शेप जो होता है वो जब सब पहला जो होता है फ्लैट बेल्ट कन्वेयर जो इमेज में आप देख सकते हैं कि फ्लैट बेल्ट कन्वेयर जो है किस प्रकार का है ये। और उसके बाद आपका ट्रफ बेल्ट कन्वेयर इसका भी आप इमेज देख सकते हो ट्रफ वाला कैसा है और फ्लैट वाला कैसा है ये दोनों। उसके बाद आगे जो है हमारा ज्योमेट्री के हिसाब से जो हम लोग करते हैं वो है उसमें हमारा जो सबसे पहला जो है हॉरिजेंटल बेल्ट होता है जो एकदम प्लेन एकदम हॉरिजेंटली जल्द यूज होता है। उसके बाद है दूसरा जो होता है आपका इंक्लाइन है। उसके बाद तीसरा जो है कंबाइंड दोनों का होता है। उसके बाद है इंक्लाइन हॉरिजेंटल या फिर हॉरिजेंटल इंक्लाइन मतलब दो जगह पे बेंडेड वाला जैसे कि शुरू में आपका क्या होगा ये आपका सीधा होगा उसके बाद देखिए थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगा फिर आपका हॉरिजेंटल फिर ये इंक्लाइन ठीक है या फिर इंक्लाइन हॉरिजेंटल इंक्लाइन है उसके बाद हॉरिजेंटल इस तरह से प्रयोग होता है। उसके बाद आगे जो है विद द टू और मोर बेंड्स मतलब टू और मोर बेंड्स बोलने का मतलब है कि पहला आपका ये हॉरिजेंटल चला फिर इंक्लाइन चला हॉरिजेंटल इस तरह से हो सकता है ठीक है ये सारा चीज़ है। आगे हम लोग टिपिकल टाइप्स जो एक है जो कि एक ही है वो है आपका रिब्ड सरफेस बेल्ट। रिब्ड सरफेस मतलब कि इसका जो बेल्ट का जो सरफेस होता है थोड़ा सा क्या होता है डिफरेंट कंस्ट्रक्टेड होता है जो कि बहुत ही फायदेमंद मटेरियल को हैंडल करने में होता है। तो ये सारा है क्लासिफिकेशन ऑन द उसका शेप और साइजेस और ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन पे। तो चलिए आगे हम लोग जनरल कंस्ट्रक्शन देखते हैं। द जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ द बेल्ट कन्वेयर हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट जनरल कंस्ट्रक्शन जो है आपका हमारा जो है वो हम लोग जो बेल्ट कन्वेयर का उसमें हम लोग जो फॉलोइंग कंपोनेंट्स ये क्या करता है कैरी करता है जिसमें सबसे पहला जो हमारा है वो है वो बेल्ट सबसे पहला जो हमारा क्या बेल्ट और इसका टाइप्स भी हम लोग देखेंगे आगे जो हम लोग इसका फुल जो डिटेल्स हम लोग करेंगे। तो उसके बाद आपका अगला जो इसका पार्ट है कंपोनेंट जो है आपका कन्वेयर ट्राइप सिस्टम जिससे पावर सप्लाई होता है जिसको पावर मिलता है ट्रांसमिशन करने के लिए। उसके बाद अगला जो है आपका टेंशन एडजस्टमेंट अरेंजमेंट जिसको हम लोग टेकअप बोलते हैं सॉरी है स्पेलिंग मिस्टेक टेकअप हो गया टेकअप मतलब क्या होता है टाइट करके रखता है। उसके बाद आइडलर्स है जो शेप्स देता है बेल्ट को। उसके बाद अगला जो आपका लोडिंग एंड डिस्चार्ज डिवाइस जहाँ पे लोडिंग होता है या फिर जहाँ पे क्या होता है डिस्चार्ज होता है वो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो है आपका बेल्ट क्लीनर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बिना आपका लाइफ स्पैन जो बहुत ही घट सकता है अगर ये प्रयोग ना होता तो बेल्ट के लिए जो साफ़ करने के लिए। उसके बाद है एक्चुएटेड होल्ड ब्लॉक मतलब कि एका क्या होता है कि अगर बेल्ट अगर एका कहीं से रुक जाता है तो पूरा सिस्टम एक बार नहीं रुक सकता जिसके कारण से डैमेज होने कंस्ट्रक्शन टूटने का चांसेस होता है इस कारण से इसका प्रयोग किया जाता है एका एक बंद नहीं धीरे धीरे बंद होता है। अगला जो आपका है सिक्स नंबर फ्रेम जो कि इंपॉर्टेंट है जो कि स्ट्रक्चर देता है हमारा वो। तो ये सारे जो मेन कंपोनेंट्स हैं इसको डिटेल्स में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेल्ट को बेल्ट क्या द बेल्ट इज द इंडलेस थिक फ्लैट स्ट्रेप बेल्ट की आपका इंडलेस फ्लैट स्ट्रेप की तरह होता है जैसा कि आप बेल्ट कमर में लगाते हो उस टाइप का ही होता है पर बहुत ही चौड़ा होता है या और ये पूरी तरह से क्या होता है इंडलेस होता है इस तरह से लूपअप होता है यहाँ पे क्या टाइप कहीं भी ज्वाइंट नहीं होता है ज्वाइंट किया तो अच्छे से यहाँ पे ये किया रहता है या स्ट्रैप ऑफ ये क्या होता है वोबेन कॉटन ओवन होता है और उसके ऊपर में क्या रेयन या फिर क्रेयन क्या होता है या फिर नाइलॉन फैब्रिक होता है जिसके ऊपर हम लोग प्लाइस किया होता है लेयरिंग किया होता है किस चीज़ का आपका क्या होता है रबर का किया होता है विद प्लास्टिक किया होता है या फिर पीवीसी का ये सारी चीज़ का क्या होता है इस पर
प्लास्टिक कवर्ड किया रहता है साइड्स में भी और ऊपर लेयर में भी ताकि इसको मजबूती मिल सके। उसके बाद द टाइप ऑफ द फैब्रिक एंड द नंबर ऑफ प्लाइस आर एंड द मेन फोर्समेंट इफ एनी इन द बेल्ट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द लेटर। मतलब इसका जो इस तरह से फैब्रिक हम लोग प्रयोग करते हैं या फिर इसका जो प्लाई उसके ऊपर पीवीसी लगा हुआ या फिर प्लास्टिक जो भी लगा हुआ ये क्या होता है प्रयोग और इसका डिटरमाइन करता है किस तरह से इसको अप्लाई हम लोग को यूज करना उस पर भी डिपेंड करता है ये। ठीक है तो आगे हम लोग देखते हैं द कैन बी इट दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द सिक्स टाइप। इसको हम लोग सिक्स टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं बेल्ट को। तो जो बेल्ट का टाइप्स है उसको हम लोग देख लेते हैं जिसमें पहला जो है आपके आउट प्लाई बेल्ट। आपका पहला क्या है आउट प्लाई बेल्ट है जैसा कंस्ट्रक्शन आप इमेज देख सकते हैं। उसका था फोल्डेड प्लाई टाइप्स इसका भी आप इमेज देख सकते हैं। उसके बाद स्पायरल फोल्डेड प्लाई टाइप ठीक है ये मिक्सचर एक तरह से हो मिक्सचर के मतलब कि कंबाइन हो गया। उसके बाद अगला जो आपका है वह हीट रेजिस्टेंट बेल्ट जहाँ पे गर्मी में गर्म प्लेसेस पे या फिर गर्म मटेरियल को हैंडल करना हो तो उस जगह के लिए। उसके बाद स्टेप्ड प्लाइड बेल्ट होता है एक इसका भी कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। उसके बाद स्टील रोप बेल्ट जो होता है वो इसका भी कंस्ट्रक्शन आप इमेज में देख सकते हो। ये छह तरह के जो हमारा बेल्ट क्या प्रयोग होता है आपका बेल्ट कन्वेयर में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। आपको अगर डिटेल्स में अगर लिखना पड़ेगा कन्वेयर के बारे में बेल्ट कन्वेयर के बारे में तो ये आप इसको डाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंप्लेंट है हमारा वो है कन्वेयर ड्राइव सिस्टम। कन्वेयर ड्राइव सिस्टम मतलब कि बेल्ट को जो हमारा क्या करता है पावर सप्लाई करता है जो पावर देता है वो जो इसको बेल्ट को जो क्या करता है रोटेट करता है जिसके ऊपर मटेरियल हैंडल होता है। एंड द बेल्ट इज ड्रिवन बाय मींस ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर थ्रू द डिफरेंट ड्राइव मैकेनिज्म। हमारा बेल्ट कन्वेयर जो है वो क्या होता है डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर से क्या करता है ड्रिवन होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म से होता है। एंड द ड्राइव मैकेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। और ड्राइव मैकेनिज्म जो है वो टू टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है पहला जो सिंगल ड्रम टाइप और दूसरा क्या है डबल ड्रम और द टेंडन टाइप। ये दो तरह का होता है जिसका आप इमेज में देख सकते हो किस तरह से डबल सिंगल ड्रम टाइप और डबल ड्रम और टेंडन टाइप ये आपका जो है कन्वेयर ड्राइव सिस्टम का एक मतलब कि मेन पार्ट है जो कि कन्वेयर को क्या करता है एनर्जी या फिर बोल सकते हैं पावर प्रोवाइड करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारा वो टेंशन एडजस्टमेंट अरेंजमेंट या फिर टेकअप यानी बोल सकते हैं हम लोग के कि जो बेल्ट जब ये यूज हो रहा होता है क्या होता है कहीं पे क्या लोड करने समय या फिर टेंशन इसमें आ जाता है तो ये क्या ढीला पड़ सकता है तो ढीला को या फिर इसको टाइट रखने के लिए क्या करते हैं इसको हम लोग टेकअप या फिर टेंशन एडजस्टमेंट अरेंजमेंट को यूज या प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है एडजस्टमेंट ऑफ द बेल्ट टेंशन ऑफ द कन्वेयर सिस्टम इज इसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल एंड ऑप्टिमम ऑपरेशन ऑफ द कन्वेयर। तो एडजस्टमेंट जो हमारा जो बेल्ट टेंशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है वो क्या है कि बेल्ट सिस्टम इस बहुत ही क्या इसेंशियल है। अगर ये बेल्ट अगर हमारा टाइट नहीं होगा अच्छे से नहीं होगा तो वो क्या जो रोटेशन जो होना चाहिए वो बेल्ट में रोटेशन नहीं होगा और वो अच्छे से ड्रिवन नहीं होगा ट्रांसपोर्टिंग हमारा सिस्टम अच्छे से नहीं होगा। तो ये ही बहुत ही ऑप्टिमम और इसेंशियल पार्ट होता हमारा एंड हेंस डिवाइस मस्ट बी प्रोवाइड फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द सच टेंशन। और हमारा क्या है इसीलिए क्या है कि हम लोग क्या डिवाइस प्रोवाइड करना होता है एडजस्टमेंट सच टेंशन को हम लोग एडजस्ट करने के लिए एंड और ये क्या है डिवाइस क्लासीफाइड एज फॉलो। और वो डिवाइस हमारा क्लासीफाई करता है पहला जो टेंशन डिवाइस जिसे क्या मैनुअली कंट्रोल्ड इंटरमीडिएट एडजस्टमेंट होता है पहला और दूसरा क्या हमारा है ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट यानी कि मैनुअली हम इसको टाइट करने वाला जो एक होता है और दूसरा क्या आपका ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करने वाला। ये दो तरह का क्या होता है जिसका आप इमेज देख सकते हैं इस तरह का होता है मैनुअली और ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट वाला। तो चलते हैं आगे। अगला जो मेन कॉम्पोनेंट्स है वो है आइडलर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मेन फंक्शन ऑफ आइडलर्स आर द गाइड टू द ट्रेन एंड द सपोर्ट द बेल्ट ड्यूरिंग द कन्वेइंग एक्शन। दिस आर प्लेस्ड एट द इंटरवल ऑफ द 1.5 to 5 meters। ये क्या मेन फंक्शन इसका क्या है आइडलर्स को गाइड करना किस चीज़ को बिल्ड को वो क्या करता है गाइड करते हैं मटेरियल किस तरफ जाएगा एंड द सपोर्ट द बिल्ड ड्यूरिंग द कन्वेइंग। जब ये क्या कर बिल्ड होता है उसको सपोर्ट करना बीच बीच में। और ये क्या होता है ये कितने डिस्टेंस इंटरवल पे लगा होता है 1.5 meters to 5 meters के इंटरवल में ये लगा होता हमारा। एंड दिस आइडलर्स आर ऑफ 3 types। ये आइडलर्स जो होता है क्या होता है 3 types का होता है जिसमें हमारा सबसे पहला जो है कैरिंग आइडलर्स। कैरिंग आर दिस अदर आइडलर्स आर कैरी द मेन लोड ऑफ द मटेरियल्स एंड द बेल्ट। ये क्या करता है मेन लोड को और बेल्ट को क्या करता है कैरी करता है सपोर्ट करता है हमारा आइडलर्स। ठीक है ये है दूसरा क्या हमारा रिटर्न आइडलर्स क्या है दिस आर द यूजली सिंगल पीस रोलर्स होता है विच
कैरी ओनली द वेट ऑफ द बिल्ट। जब आप देख सकते हो पीछे जब से लास्ट में जो क्या रिटर्न होता रहता है वो उस बिल्ट को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। एंड वी कैन ओनली द वेट ऑफ द बिल्ट एंड दे आर प्लेस्ड ऑन द रिटर्न साइड ऑफ द बिल्ट। ये रिटर्न साइड ऑफ द बिल्ट में लगा होता है नीचे की ओर। ओके, अगला जो हमारा है एक्चुएटेड आइडलर्स। एक्चुएटेड आइडलर्स में क्या है कि ये क्या है, दिस आर द शॉर्ट लेंथ आइडलर्स प्लेस्ड एट द साइड ऑफ द कन्वेयर्स। ये क्या है, शॉर्ट लेंथ आइडलर्स हैं, छोटे छोटे होते हैं और ये क्या प्लेस्ड होते हैं कहाँ पे, प्लेस्ड एट द साइड ऑफ द कन्वेयर, साइड ऑफ द कन्वेयर लगते हैं सो दैट द बिल्ट इज द नॉट थ्रोन अवे। ये क्या मतलब बिल्ट को इधर उधर निकलने से रोकने के लिए लगा होता है एंड सेंटर लाइन को यह मेंटेन करता है ऑफ द कन्वेयर को। एंड देर आर ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ अलाइन आइडलर। ये क्या करता है, सेल्फ अलाइन आइडलर्स को भी इसका नाम है, सेल्फ अलाइन आइडलर्स। ये तीन टाइप के आइडलर्स होते हैं जो कि क्या करता है और डायरेक्शन को कंट्रोल करता है हमारा बेल्ट का। तो चलिए आगे, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारा बेल्ट कन्वेयर का वो है लोडिंग एंड डिस्चार्ज डिवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल्ट पे कहाँ पे कैसे लोड होगा, वो कहाँ डिस्चार्ज करेगा, ये सारी चीज़ डिसाइड इसके द्वारा ही किया जाता है। एंड द डिवाइस ऑफ द लोडिंग डिवाइस डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोड कन्वेड एंड द मैथड ऑफ द लोडिंग। ये हमारा क्या है, ये जो डिज़ाइन है इसका और लोडिंग डिवाइस का वो डिपेंड करता है कि हमारा नेचर एंड द करेक्टरिस्टिक जो है और लोड कन्वेयर जो है उस पर डिपेंड करता है कि और मैथड किस पे किस तरह से लोड किया जाएगा वो डिपेंड इसका जो है कंस्ट्रक्शन क्या करता है डिसाइड करता है इसको। जनरली इट इज़ अ डन विद द हेल्प ऑफ द सूट। जो हम लोग जानते हैं कि अगर जहाँ पे लोडिंग पॉइंट्स होता है वहाँ पे सिंपल एक सूट का क्या होता है कंस्ट्रक्शन होता है, जिससे क्या करता है बेल्ट पे ड्रॉप करता है हमारा बेल्ट पे, इस पर ये मटेरियल होता है और ये क्या करता है धीरे धीरे से क्या करता है ड्रॉप करता है और आगे चल के बेल्ट पे या फिर कन्वेयर पे क्या लोड होता है और आगे चल के क्या करता है ये डिस्चार्ज करता है जहाँ पे डिस्चार्ज करना होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। एंड डिस्चार्ज इज जनरली अफेक्टेड ओवर द इंड पुली। ये क्या है, इंड पुली पे इफेक्ट किया जाता है और एट एनी पॉइंट ऑफ द कन्वेइंग रन बाय द मींस ऑफ द स्क्रैपर प्लग और द थ्रू द कैरेज नोन एज द ट्रिपर। क्या होता है, डिस्चार्ज इज जनरली इफेक्टेड ओवर द इंड पुली, जो इंड पुली जो हम देख सकते हो लास्ट रो जो कंस्ट्रक्शन वो, और इन द एनी पॉइंट ऑफ कन्वेइंग रन बाय द मींस ऑफ द स्क्रैपर प्लग और द थ्रू द ऑफ द कैरेज नोन एज द ट्रिपर। जहाँ से ट्रिपर जो कलेक्ट कर लेता है कहीं से भी कलेक्ट करने का कलेक्टर लगा होता है वो, इसको साइड वाइज किधर हम लोग को ड्रॉप करना है वो, ये डिफाइन इसको डिवाइड करता है कि कहाँ पे ये डिस्चार्ज करेगा, जैसा कि आप इमेज देख सकते हैं। एंड द लेटर इज यूज ओनली फॉर द बल्क मटेरियल एंड द लेटर इज बाकी जो है क्या होता है बल्क मटेरियल के क्या प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा क्या लोडिंग एंड डिस्चार्ज डिवाइस है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है वो है बेल्ट क्लीनर्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आफ्टर द डिस्चार्ज बेल्ट को साफ करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आगे चलकर मशीन में ये रन करता है और ये मशीन को लाइफ स्पैन को क्या करता है डिफाइन करता है कितने दिन तक ये काम कर सकता है। अगर इसको हम साफ नहीं करें तो बहुत ही जल्दी ये क्या होता है ख़राब हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वाइपर्स एंड स्क्रेपर सर्व्स एज अ क्लीन द आउटर सर्फेस ऑफ द बेल्ट। आउटर सर्फेस जो है को ही साफ़ करना क्योंकि मटेरियल जो है इसी से ट्रांसपोर्ट होता है, इसी के ऊपर रख करके चला जाता है, तो इसी को साफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको हम लोग किसकी मदद से, वाइपर और स्क्रैपर की मदद से क्या करते हैं क्लीन करते हैं, वाइपर्स एंड स्क्रैपर। उसके अगला और भी जो चीज़ है वो हमारा रिवॉल्विंग ब्रश है विच आर यूज फॉर द वेट एंड द स्टिकी मटेरियल। जहाँ पे वेस्ट एंड स्टिकी मटेरियल यूज करना होता तो हम रिवॉल्विंग ब्रशेज का वहाँ पे क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। ये दो चीज़ है, दो तीन चीज़ें जो हम लोग क्या करते हैं बेल्ट को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है एक्चुएटेड होल ब्लॉक। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है कि जब कोई भी बेल्ट रन कर रहा होता है तो उस पर लोडर अगर मटेरियल है और सडन अगर होल्ड होता है तो इसके कारण से उसका लोड होने के कारण से बेल्ट जो बैक स्लिप कर हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं।
द सडन स्टॉपेज ऑफ द लोटेड इंक्लाइंड बेल्ट कन्वेयर मे काउज द अनकॉल्ड ऑफ फॉर द स्लीपिंग बैक ऑफ द लोडेड बेल्ट। जैसे मैंने बताया कि जब हम लेकर किसी बेल्ट को रोक रनिंग बेल्ट को रोकते हैं, अगर वो लोडेड है तो पीछे रिवर्स और इसको वापस स्लिप करने का चांसेस होता है। एंड दिस विल हैपन व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द लोडेड वेट इज लार्जर। और ये लॉन्गिट्यूडनल कॉम्पोनेंट जो है लोड का, अगर वो लार्जर तो तब होता है। एंड द फॉर द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज द बेल्ट मोशन के लिए में होता है तब, ठीक है। एंड सच अ रिवर्सल ऑफ द लोड बेल्ट में बिकम द रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर द जैम एंड द मटेरियल एट द बॉटम लोडिंग एरिया ऑफ द कन्वेयर। क्या करता है कि जब और इंक्लाइन हो गया पे और इसका प्रयोग हो रहा है तो ये क्या करता है, जब फॉल ब्लैक या स्लिप होता है तो ये क्या करता है, जैम कर सकता है जहाँ पे मटेरियल से। अगर इसको लोडेड है तो रिवर्सल जब होगा तो वो क्या वहाँ पे जाम लगने के चांसेस बढ़ सकता है या फिर उसको डैमेज भी कर सकता है जहाँ पे लोडिंग पॉइंट है हमारा, ठीक है। एंड टू प्रिवेंट द सच स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द बेल्ट स्पेशल होल्ड बैक माउंटेड और द मेन ऑक्सिलरी शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग मीडियम लेंथ इज इंक्लाइन कन्वेयर्स। स्पेशल इसमें शाफ्ट एक लग जाता है, लगा हुआ रहता है जो क्या करता है इसको बचता है, रोकता है इसको रोकने के लिए, मतलब एक रोकने के लिए, मतलब कि स्लिप फॉल ब्लैक या फिर स्लिप होने के लिए, स्लिप बैक होने के लिए। एंड दिस ब्रेक में बी ऑर्डिनरी और द नॉइजलेस रैचेट और द पाउल और द रोलर स्टॉप और द सोलेनाइड ब्रेक। ये इस टाइप का व्यावस में क्या था प्रयोग किया जाता है, क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं हम, लॉजनाइड रैचेट यूज़ कर सकते हैं या फिर पाउल यूज कर सकते हैं या फिर रोलर स्टॉप और द सोलेनाइड ब्रेक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका पार्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉम्पोनेंट के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, फ्रेम, जिस पे वो क्या स्ट्रक्चर जो हमारा बेल्ट कन्वेयर को क्या करता है वो देता है। तो जो है द बेल्ट कन्वेयर फ्रेम इज़ द बेसिकली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग डिवीजन। ये बेल्ट कन्वेयर का जो फ्रेम है वो फॉलोइंग कंडीशन पे क्या करता है, डिवाइड किया हुआ। सबसे पहला जो हमारा वो है आपका हेड पुली फ्रेम। पहला जो हमारा हेड पुली फ्रेम, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, ये आपका हेड पुली फ्रेम है। उसके बाद है टेल पुली फ्रेम है, जो कि लास्ट फ्रेम को क्या करता है, स्ट्रक्चर देता है। और लास्ट हमारा जो है इंटरमीडिएट फ्रेम, इंटरमीडिएट मतलब बीच का जो स्ट्रक्चर है वो संभालने के लिए, ये आपका हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट फ्रेम। ये सारे जो है हमारा फ्रेम का पार्ट है, जो फुल्ली फ्रेम को क्या फिर क्या कर कन्वेयर को हमारा क्या शेप देता है। तो जल्दी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो सेफ्टी फीचर और जो सेफ्टी डिवाइसेज जो है वो है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं और जो जो चीज़ें हैं, जो मेन जो इसमें फीचर्स यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है, दिस इज मे बी सेफ्टी फीचर्स ऑफ द बेल्ट कन्वेयर एंड सम ऑफ द देम आर इज फॉलोस। हमारा जो है सबसे पहला होल्ड्स बैक, होल्ड बैक मतलब जब भी कन्वेयर कहीं बंद होता है तो उसको वापस रुकने के लिए, मतलब वो कहीं पीछे ब्लैक स्लिप ना हो जाए वो। उसके बाद आपका है सिक्वेंशियल कंट्रोल और कन्वेयर्स, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्वेंशियल कंट्रोल कहीं से भी कंट्रोल करने के लिए। अगला जो हमारा ऑटोमेटिक सिक्वेंस कंट्रोल है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद है पायलट सिक्वेंस कंट्रोल है। उसके बाद हमारा रिमोट कंट्रोल और कन्वेयर्स, रिमोट कंट्रोल ऑफ द कन्वेयर्स वो है। उसके बाद है बेल्ट स्व मॉनिटरिंग स्विच, ये हमारा है नेक्स्ट पार्ट। और एक और इसमें है एवीएस सिस्टम, जो कि अभी हमारे रेगुलेशन में क्या हुआ है, लिखा हुआ है एवीएस सिस्टम का, ऑडियो विजुअल आराम भी इसमें लगा था। जब ये स्टार्ट प्री स्टार्ट या फिर बंद चालू होने से पहले या बंद होने से पहले क्या करता है, ये अलार्म देता है। ये सारे चीज़ हैं। आगे जो है इसके बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में, सीरीज़ में, जिसके अगले जो हमारा टाइप्स आएगा, जैसे कि सेकर कन्वेयर बचा हुआ है, तो उस सारी चीज़ों में हम लोग बाकी जो बचे हुए हैं और इम्पोर्टेंट जो इसको है, इसका मेन फंक्शंस है, अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो आज की हमारे इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और हुआ होगा। और जो भी कुछ कमी आपको लग रही होगी इस वीडियो में, जो टॉपिक छूट गया होगा या फिर पॉइंट को आपको लग रहा है कि इसमें कुछ और क्लियरेंस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको अच्छे से नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करूँगा, डिस्कस कर लूँगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।